ड्रीम इलेवन टीम ऑफ टुमारो मैच, एलकेएन वर्सेस सीएसके ड्रीम इलेवन टीम ऑफ टुडे मैच, लखनऊ वर्सेस चेन्नई ड्रीम इलेवन मैच प्रेडिक्शन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2022 के सातवें मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा लखनऊ वर्सेस चेन्नई के बीच में। मुकाबला ब्राबोर्न स्टेडियम मुंबई के विकेट पर खेला जाएगा और यहाँ के विकेट के बारे में बात करें तो लगभग दोस्तों एक बैलेंस्ड विकेट है, हर डिपार्टमेंट में दोस्तों इक्वल एडवांटेज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो रिसेंटली मैचेस दोस्तों ये काफ़ी टाइम पहले खेले गए थे तो इन मैचेस का ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम सीधा बात करते हैं जो लास्ट मुकाबला दोस्तों इस आईपीएल का खेला गया था मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच में उसके बारे में। तो उस मैच में मुंबई ने पहले बैट करते हुए 20 ओवरों में 177 रन बनाए थे, लेकिन जवाब में दोस्तों दिल्ली कैपिटल ने ये मुकाबला है वो 4 विकेट से विन किया था और दोस्तों आप देखोगे 177 रन का टारगेट है वो यहाँ पर चेस हुआ था। अब स्पिन वर्सेज पेसर्स को कंपेयर करें तो स्पिनर्स को दोस्तों 4 विकेट और पेसर्स को 7 विकेट मिले, यानी लगभग देखा जाए दोस्तों तो बल्लेबाजों को भी सपोर्ट है, स्पिन को भी दोस्तों 4 विकेट, पेसर्स को 7 विकेट, यानी लगभग एक जो बैलेंस्ड विकेट है वो हम यहाँ पर एक्सेप्ट करके चल सकते हैं। बाकी दोस्तों पिच के बारे में जो भी फ्रेश अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम में शेयर कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं दोस्तों कुछ जो न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ से जो एंड्रयू टाई है वो सिलेक्शन के लिए दोस्तों अवेलेबल हो चुके हैं, तो कल के मुकाबले में दोस्तों ये हमें खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं। वहीं पर होल्डर और मायर्स है दोस्तों, उनका अभी क्वारंटाइन दोस्तों पीरियड है वो चल रहा है तो इस मैच में शायद ये अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेकिन जो तीसरा मैच होगा दोस्तों उसमें खेलते नजर आ सकते हैं। मोइन अली की भी है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के लिए वापसी हो चुकी है और वो खेलते हुए नजर आ जाएंगे, हो सकता है दोस्तों मोइन अली है वो वन डाउन बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम सबसे पहले लखनऊ के बारे में बात करते हैं। पहला मुकाबला ये 5 विकेट से हार कर आए हैं। टीम की ओर से के राहुल डिकोक दोनों ओपन करने आए थे, राहुल लास्ट मैच में दोस्तों डक्का शिकार हुए थे। ओवरऑल रिकॉर्ड आईपीएल में हमेशा जबरदस्त ही रहता है, बताने की नीड नहीं है, हेड टू हेड में भी 44 का एवरेज है। वहीं पर दोस्तों क्वांटम डिकोक ने लास्ट मैच में 7 बनाए थे, आईपीएल 2021 में 30 का एवरेज था, हेड टू हेड में 23 का एवरेज है। इवन लेविस है दोस्तों वन डाउन बैटिंग करते हुए लास्ट मैच में 10 रन बनाए थे, लास्ट मैच में 30 का एवरेज था, हेड टू हेड में 29 का बैटिंग एवरेज है। मनीष पांडे नंबर 4 पर खेलने आए, लास्ट सीजन में 49 का बैटिंग एवरेज था, हेड टू हेड में 23 का बैटिंग एवरेज है। दीपक हुड्डा लास्ट मैच में कमाल का परफॉर्म किया था, 55 रन बैट के साथ बनाए, 3 ओवर में दोस्तों 31 रन खर्च करके 1 विकेट बॉलिंग में भी निकाला था। हेड टू हेड में देखोगे 25 का बैटिंग एवरेज है, बॉलिंग इतनी ज़्यादा नहीं की हुई। पिछले सीजन में दोस्तों जो दीपक हुड्डा है उनका कुछ खास वगैरह योगदान नहीं था, लेकिन लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी फॉर्म में नजर आए। आयुष बारडोनी दोस्तों जबरदस्त बल्लेबाजी करके गए थे लास्ट मैच में, नंबर 6 पे बैटिंग करने आए थे, 54 रनों की शानदार पारी खेली थी। डोमेस्टिक में देखा जाए दोस्तों तो इतना अच्छा इनका रिकॉर्ड नहीं रहा था, ओडीआई में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, उसी की वजह से दोस्तों यहां पर इनका सिलेक्शन हुआ है, तो बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। कुणाल पांड्या है नंबर 7 पे बैटिंग करने आए, 21 रन बैट के साथ, प्लस में 4 ओवर बॉलिंग की, 17 रन खर्च करके 1 विकेट निकाला था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। समीरा से 3 ओवर बॉलिंग करवाई थी, 22 रन खर्च करके इन्होंने 2 विकेट निकाले, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करवाते हैं। रवि बिश्नोई है लेग ब्रेक गुगली के लिए जाने जाते हैं, 4 ओवर कंप्लीट डाले, 34 रन खर्च के, विकेट वगैरह इनको नहीं मिला। आईपीएल 2021 में 9 मैच में 12 विकेट थे, हेड टू हेड में 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट इनके नाम है। आवेश खान है दोस्तों पिछला सीजन अच्छा रहा था, 16 मैच में 24 विकेट निकाले थे, लास्ट मैच में 3.4 ओवर में 33 रन खर्च करके 1 विकेट निकाला, मीडियम फास्ट गेंदबाज है। तो दोस्तों इनकी जो टीम है वो अभी सिर्फ 3 ही ओवरसीज प्लेयर के साथ खेल रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग मोहसिन खान को ड्रॉप करके ये टाई को यहाँ पर ला सकते हैं, इससे इनके पास 4 जो ओवरसीज प्लेयर है दोस्तों वो हो जाएंगे। टाई का देखा जाए हेड टू हेड में 4 मैच में 15 ओवर बॉलिंग करती है, 2 विकेट हैं, और रिसेंटली देखोगे पिछले 5 मैचेस के अंदर दोस्तों इन्होंने 7 विकेट निकाले हुए हैं। मोहसिन खान एवरेज परफॉर्मर गेंदबाज है दोस्तों, कई बार विकेट मिलता है कई बार नहीं मिलता है। बाकी बैंस के प्लेयर को लेकर अगर कोई चेंजेस वगैरह होगा तो उसकी अपडेट है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अभी चेन्नई सुपर किंग के बारे में बात कर लेते हैं। चेन्नई ने अपना पहला मुकाबला दोस्तों 6 विकेट से हारा था केकेआर के खिलाफ। टीम की ओर से गायकवाड़ और उथप्पा दोनों ओपन करने आए थे, गायकवाड़ दोस्तों लास्ट मैच में अपना खाता नहीं खोल पाए, लेकिन दोस्तों आईपीएल सीजन में इनका काफ़ी ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, लास्ट सीजन भी 48 का एवरेज था, ओवरऑल भी दोस्तों इनका काफ़ी शानदार योगदान रहा है। रोबिन उथप्पा लास्ट मैच में दोस्तों वन डाउन बैटिंग करने आए थे, 28 रन बनाए थे और
ओवरऑल 34 का बैटिंग एवरेज है पिछले सीजन में, और ओवरऑल देखोगे पूरे टोटल आईपीएल में तो 204 मैच खेल चुकी हैं, 28 का बैटिंग एवरेज है। लास्ट मैच में दोस्तों कॉनवे हैं वो गायकवाड़ के साथ ओपन करने आए थे, तो मोइन अली आ रहे हैं दोस्तों, तो हो सकता है कि ये कॉनवे को दोस्तों बाहर बैठा कर मोइन अली को ला सकते हैं। ये भी हो सकता है कि सैंटन को बाहर बैठा कर भी ये मोइन अली को ला सकते हैं। अगर दोस्तों कॉनवे और मोइन अली दोनों खेलेंगे तो फिर दोस्तों गायकवाड़ और कॉनवे दोनों ओपन करेंगे, उसके बाद दोस्तों रॉबिन उथप्पा और मोइन अली है वो नंबर 3 और नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ बैटिंग ऑर्डर में चांस देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों चांसेस वगैरह की अपडेट है वो आपको टेलीग्राम में मैच से पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो अभी हम बात करें दोस्तों कॉनवे के बारे में, तो आईपीएल में दोस्तों इसी सीजन खेल रहे हैं, लास्ट मैच में सिर्फ 3 रन बनाए थे। इंटरनेशनल में दोस्तों जबरदस्त बल्लेबाज हैं, 50 का बैटिंग एवरेज है। मोइन अली के बारे में दोस्तों बताने की नीड नहीं है, आईपीएल 2021 काफ़ी शानदार रहा था, इन्होंने दोस्तों 28 की एवरेज से 673 रन बनाए थे। बॉलिंग में भी दोस्तों इन्होंने 50 ओवर बॉलिंग करते हुए 13 विकेट निकाले थे। तो आईपीएल में दोस्तों मोइन अली बिल्कुल एक बेहतरीन पिक है, क्योंकि यहाँ पर ये टॉप ओवर में बैटिंग करते हैं और 1 से 2 तो कई बार 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी करवा लेते हैं। अंबाती रायडू नंबर 4 पर आए, लास्ट मैच में 15 बनाए, 2021 आईपीएल में 27 का एवरेज था। इनके बाद रविंद्र जडेजा है नंबर 5 पर बैटिंग करने आए थे, काफ़ी स्लो बल्लेबाजी की थी, 26 इन्होंने बनाए थे, प्लस में बॉलिंग में 4 ओवर कम पे डाले, 25 रन खर्च के विकेट वगैरह इनको नहीं मिला था। शिवम दुबे नंबर 6 पे बैटिंग की, 3 रन बैट के साथ, 1 ओवर बॉलिंग में डाला था, 11 रन खर्च की, कोई विकेट वगैरह नहीं मिला। एमएस धोनी नंबर 7 पे बैटिंग करते हुए दोस्तों लास्ट मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी, और दोस्तों विकेट कीपिंग के पीछे से भी अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं तो वहाँ पर भी पॉइंट मिल जाएंगे। हालांकि कैप्टनसी दोस्तों रविंद्र जडेजा कर रहे हैं, धोनी है वो कैप्टनसी छोड़ चुके हैं। ब्रायो ने लास्ट मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की, 4 ओवर में दोस्तों 20 रन खर्च करके इन्होंने 3 विकेट निकाले थे। तुषार देशपांडे 3 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं मिला। एडम मिल ने 2.3 ओवर 19 रन विकेट लेस रहे थे। मिशेल सैंडर ने 4 ओवर डाले, 31 रन खर्च किए और 1 विकेट टीम को निकाल के दिया था। तो दोस्तों अगर ये दोनों कॉनवे और मोइन अली को मौका देते हैं तो फिर मिलने और सैंटन में से किसी एक प्लेयर को बाहर बैठना पड़ सकता है। तो जो भी ये चांसेस करेंगे दोस्तों आपको अपडेट है वो टेलीग्राम के अंदर शेयर कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं हमारी डेमो टीम के बारे में। विकेट कीपिंग में देखा जाए दोस्तों लोकेश राहुल, क्वांटम डिकॉक दोनों बेस्ट पिक है, इसके अलावा एमएस धोनी भी दोस्तों बेहतरीन पिक है। लेकिन धोनी का बैटिंग ऑर्डर है दोस्तों वो लेट रहता है, क्योंकि जब चेन्नई का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है तब दोस्तों धोनी को ज़्यादा बॉलें खेलने को मिलती है। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि टॉप ऑर्डर अच्छा चल जाए तो धोनी की जो बैटिंग है वो काफ़ी लेट आती है। तो उसी कंडीशन में दोस्तों मैं अभी के लिए एमएस धोनी को अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूँ, राहुल और डिकॉक है दोनों को मैं ट्राई करके चलने वाला हूँ। बैटिंग डिपार्टमेंट में मैंने गायकवाड़ को रखा है, मनीष पांडे को रखा है और रॉबिन उथप्पा को ट्राई किया है। इवन लेविस और अंबाती रायडू भी दोस्तों अच्छी पिक है, दोनों को आप ग्राइंडिंग में रोटेट करके एक एक को ट्राई कर सकते हैं। दीपक हुड्डा ने भी दोस्तों लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, आप चाहें तो दोस्तों एक ऑलराउंडर प्लेयर को ड्रॉप करके दीपक हुड्डा के साथ जा सकते हैं। नीचे के ऑप्शन में कोई खास प्लेयर वगैरह नहीं है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा और मोइन अली दोस्तों बिल्कुल बेस्ट पिक रहेगी, दोनों को आप बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते। होल्डर है दोस्तों अभी खेलेंगे नहीं, स्टोइनिस से है वही भी नहीं खेलने वाले, अगर सैंटनर खेलते हैं तो ग्राइंडिंग में मौका दे सकते हैं। शिवम दुबे का दोस्तों लास्ट मैच कुछ खास नहीं रहा था, तो कोई हाई रिस्क की टीम में इनको प्रेफर कर सकते हैं। अभी मैं कुणाल पांड्या को दोस्तों ट्राई करके चल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मैच इनके लिए काफ़ी शानदार रहा था, वैसे भी 4 ओवर अगर कंप्लीट डालते हैं तो विकेट के चांस भी बन जाते हैं और बैटिंग में भी दोस्तों 15-20 रन बनाने की एबिलिटी रखते हैं। नीचे के ऑप्शन में देखा जाए दोस्तों तो पेटोरियस शायद अवेलेबल नहीं रहेंगे, जो बाडोनी है दोस्तों वो एक बिल्कुल पावर पिक हैं जिनको आप ग्राइंडिंग में जरूर से ट्राई करके चलना। लास्ट मैच में बहुत ही शानदार इन्होंने दोस्तों बैटिंग करके दिखाई थी, हाफ सेंचुरी लगाई। बॉलिंग डिपार्टमेंट में दोस्तों ब्रायो एडम मिलने को मैं ट्राई कर रहा हूँ, मिलने की जगह आप चाहें तो दोस्तों यहाँ से डी चमीरा को भी ट्राई करके चल सकते हैं। अगर चेन्नई पहले बॉलिंग करती है तो मिलने के साथ जाएंगे, अगर लखनऊ पहले बॉलिंग करती है तो चमीरा को ट्राई करने वाले हैं। दीपक चार को लेकर दोस्तों अभी कोई फाइनल अपडेट नहीं आया कि ये अवेलेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगर खेलते हैं तो दीपक चार को भी दोस्तों अपनी टीम में हम ट्राई कर सकते हैं।
नीचे से दोस्तों मैं अपनी टीम में टाई को ट्राई करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे विकेट टेकर गेंदबाज हैं, सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग प्लेइंग 11 में जगह इनको जरूर मिलनी चाहिए, काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं। अगर टाई नहीं खेले तो फिर मैं आवेश खान को अपनी टीम में ट्राई करके चलूँगा, जिनके पास अच्छा पेस भी है दोस्तों और विकेट निकालने की एबिलिटी भी है। रवि बिश्नोई है, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करके चलना, कई बार अच्छे खासे गुच्छों में विकेट निकाल जाते हैं। नीचे से दोस्तों देश पांडे हैं, इनको भी आप ब्रिज की टीम में ट्राई कर सकते हैं। मोहसिन खान को दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग टीम है वो इस मैच में रेस्ट दे सकती है। तो अभी के लिए दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर टीम देख रहे हैं ये हमारी एक डेमो टीम रहेगी, जो फाइनल टीम है वो पूरी तरह से दोस्तों टॉस पे डिपेंड करेगी और टॉस के बाद टीम में जो भी चेंजेस होंगे उसकी अपडेट है वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवाऊंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के दो लिंक वीडियो के नीचे मेंशन कर दिए हैं, जहाँ से आप क्लिक करके सीधा हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। बात रही कैप्टन और वाइस कैप्टन की, उससे पहले अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई की मेहनत और मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों कैप्टन मैं यहाँ से मोइन अली को बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन मैंने यहाँ से लोकेश राहुल को बनाया है। इसके अलावा दोस्तों क्वांटम डिकॉक और रविंदर जडेजा, ये दोनों भी दोस्तों स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी पिक रहेगी। अगर ग्रैंड लीग के बारे में बात करें दोस्तों तो ग्रैंड लीग में आप यहाँ से गायकवाड़ को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, रोबिन उथप्पा, मनीष पांडे भी अच्छे प्लेयर हैं जिसकी ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में दोस्तों अगर चेन्नई पहले बॉलिंग करे तो डीजे ब्रायो को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चल सकते हैं। बाकी मेरी फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन और अपडेटेड टीम है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।